भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत राष्ट्रीय महामंत्री स्वर्गीय प्रमोद महाजन असाधारण प्रतिभा के धनी थे। प्रमोद जी उन राजकीय नेताओं में से थे जिनके ओजस्वी वक्तृत्व ने लक्षावरी श्रोताओं को सम्मोहित किया है। प्रमोद जी का नेतृत्व उनके वक्तृत्व के कारण और भी निखर आया था। अपने वाणी के बलबूते प्रमोद जी ने कईयों के दिल जीते, हजारों की जनसभाओं में प्राण फूंके, कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और विद्वानों की चर्चा में नई जान डाली। स्वर्गीय प्रमोद जी के वक्तृत्व को न भाषा का बंधन था, न प्रसंग विशेष की सीमा थी। उन्होंने जनसभाएं भी जीती और संसद के सदनों में भी अपनी वाकगंगा का चमत्कार दिखाया। पूर्व तैयारी के बिना प्रमोद जी ने कभी भाषण नहीं किए। भाषण की कला उनके लिए एक साधना थी। वक्तृत्व कला का भी अपना एक विज्ञान है। स्वाधीन भारत के अत्यंत सफल वक्ताओं में से एक स्वर्गीय प्रमोद महाजन अंत तक इस विज्ञान के छात्र रहे। राजनीतिक कार्यकर्ताओं तथा नेताओं के प्रशिक्षण हेतु स्थापित रामभाव म्हाळगी प्रबोधिनी का पूरे 16 सालों तक प्रमोद जी ने अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व किया। इसी प्रबोधिनी में संपन्न हुए एक प्रशिक्षण शिविर में भाषण की कला के जो पाठ प्रमोद जी ने पढ़ाए उन्हें अब वीडियो सीडी के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। वक्तृत्व निपुण प्रमोद जी का यह है एक जीता जागता स्मारक। अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान सभी सहयोगी बहनों और भाइयों, बरसों बाद मैं ऐसे विषय पर बोलने का प्रयास कर रहा हूं जिसका सीधे तो राजनीति से संबंध है नहीं, लेकिन राजनीतिज्ञों से इस विषय का सबसे गहरा संबंध है। बरसों से मैं अनेक वक्ताओं को देख रहा हूं, सुन रहा हूं, पचाने की कोशिश कर रहा हूं। उन सारे का निचोड़ मिलाकर संवाद कला के संबंध में मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो मेरी प्रार्थना आपसे यह होगी कि संवाद कला के जो नुक्से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा इस मापदंडों को मेरे ही भाषण पर कसकर देखने का प्रयास आप ना करें। मैं एक आदर्श संवाद कला का चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा दावा यह नहीं है कि ये सारे कला मुझ में उपस्थित है या मैं उसका अधिकारी हूं। किसी ने कहा है कि संवाद कम्युनिकेशन ये भगवान का मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। अगर भगवान हमें यह उपहार न देता तो शायद मानव जाति आज जिस स्थान पर मकाम पर पहुंची है उस पर नहीं पहुंचती। कुछ लोग कहते हैं कि पक्षियों में भी भाषा होती है, पशुओं में भी भाषा होती है। मुझे इसका
ज्यादा ज्ञान नहीं है कि क्या सभी जगह के कौओं की एक भाषा होती है, या उत्तर प्रदेश के कौवे हिंदी में बोलते हैं और महाराष्ट्र के मराठी में बोलते हैं, और इसलिए पक्षियों में या पशुओं में भाषा होती है या नहीं है इसकी तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन संवाद या भाषा भगवान की दुनिया में मनुष्य को भगवान निर्मित और सारी चीजों से अलग करता है। कहा जाता है कि बोलने वाले के कंकड़ भी बेचे जाते हैं, और अगर व्यक्ति में बोलने की कला न हो तो बहुत सुंदर गेहूं लेकर भी बाजार में जाए तो उसे कंकड़ का मोल भी नहीं मिलता। जीवन में हम देखते हैं कि व्यक्ति से व्यक्ति का हो, व्यक्ति से समूह का हो, जब संवाद चलता है तो जिस व्यक्ति के पास ये संवाद की कला उत्कृष्ट होती है उसका हमारे सबके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो अपना विचार दूसरों के हृदय तक पहुंचा सकता है। बहुत बार हमने देखा है कि बहुत अच्छा विचार होने के बाद भी वो क्या कह रहा है यह हमें समझता ही नहीं है, और कभी कभी कहने की कला हो तो गहन से गहन विषय भी अत्यंत सोपे सरल शब्दों में जब कहा जाता है तो वो व्यक्ति के दिल में उतर जाता है। और जैसे मैंने कहा कि इस विषय का भले राजनीति से संबंध ना हो लेकिन राजनीतिज्ञों से इसका सर्वाधिक संबंध इसलिए है कि राजनीति में जितनी संवाद कला की आवश्यकता होती है वो शायद और किसी व्यवसाय में ना हो। कभी कभी तो हम लोग मजाक में ये भी कहते हैं कि नेता बनने के लिए और कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, बस सामने माइक हो और बोलने की कला हो तो आदमी रातों रात नेता बन जाता है। इसका व्यंग छोड़ दीजिए, उपहास छोड़ दीजिए, इसका अर्थ यह है कि राजनीति क्योंकि विचारों का आदान प्रदान है। आखिर राजनीति होती क्या है? जब मैं आपात स्थिति में कारावास में बंद था तब मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस पूरा किया, उसमें मुझे एक पेपर था पावर पॉलिटिक्स। आज वो सारी बड़ी किताब तो मुझे ध्यान नहीं है लेकिन उस किताब के प्रारंभ में जो चार वाक्य लिखे थे वो मुझे आज भी ऐसे ध्यान है मानो जैसे कल पढ़े थे। उसमें लिखा था पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अ पावर पॉलिटिक्स। दूसरा वाक्य था व्हाट इज पावर, और तीसरा वाक्य था पावर टू रूल ओवर द माइंड्स ऑफ अदर्स, दूसरों के मन पर प्रभाव करने की शक्ति असली राजनीति है। अब इस कसौटी पर इसको देखें तो मैं समझता हूं कि कम ज्यादा मात्रा में हम सब लोग जो राजनीति में काम करते हैं इसे संवाद कला की आवश्यकता होती है। संवाद कला हमें तब लगती है जब हम जनसभाओं में बोलते हैं, संवाद कला हमें तब लगती है जब हम कार्यकर्ताओं के सामने बोलते हैं,
संवाद कला हमें तब लगती है जब हम संसद में, विधानसभा में, कॉरपोरेशन में भाषण देने का प्रयास करते हैं। संवाद कला हमें तब लगती है जब हम कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हैं। संवाद कला हमें तब लगती है जब हम किसी नेता से मिलते हैं या किसी अनुयायी से बात करते हैं। और इसलिए व्यक्ति व्यक्ति से लेके व्यक्ति समूह के अनेक प्रकारों में हमें संवाद कला की आवश्यकता हो। बहुत बार हमने अनुभव लिया होगा कि अगर हमें 10 भाषण सुनते हैं तो 10 में से 9 ऐसे होते हैं जिसके विषय का शीर्षक कुछ होता है, अंदर का भाषण दूसरा ही होता है। बहुत सारे वक्ता मैंने ये देखे कि वो उनका एक भाषण होता है, आप उनको कहीं भी खड़े कर दो भाषण वही देते हैं। आप उनको जनसभा में खड़े करो वो ही देते हैं, आप उनको अकेले में मिलने के जाओ मुद्दा वही होते हैं। अच्छा बोलने वाला हो, अगर दोबारा तिबारा 4 बार अगर वो वही बात करता रहे, हाँ श्रोता बदल जाए और बात वही रहेगी, समझते हम भी चुनाव में जब भाषण करने जाते हैं तो हर गांव में नया भाषण तो नहीं कर सकते, लेकिन श्रोता वही, वक्ता वही, भाषण वही, साल भर पहले वही, 2 साल बाद वही। अब स्वाभाविक रूप से ऐसा जब बार बार वही भाषण किया जाएगा तो उसके कारण जो विचार हमको लोगों को देने हैं वो विचार कोई ग्रहण कर ही नहीं पाए। और इसलिए कभी कभी मैं राजनीति में, कभी कभी क्या, मैं बहुत बार राजनीति में यह देखता हूं कि राजनीतिज्ञों को जिस विषय पर बोलना है उस विषय पर अभ्यास करने की आदत सामान्य अपवाद छोड़ के बिल्कुल बची। और इसलिए जो पीठासीन होता है वो बार बार टोकता है विषय पर आ रहा विषय पर आओ, और बार बार हम नीचे से जवाब देते हैं अभी आ, मैं विषय पर ही आ रहा हूं, थोड़ा दूर से आ रहा हूं। अब वो दूर से नहीं आ रहा है, वो विषय पर आ ही नहीं रहा है क्योंकि उसे विषय का पता ही नहीं है। और कुछ वक्ता तो मुझे ऐसे मालूम है जिनको विषय बताने की भी जरूरत नहीं होती। अब कुछ वक्ताओं के मैंने भाषण ये देखे हैं कि उन्होंने 2004 की लोकसभा में भी वही भाषण किया, 5 की विधानसभा में भी वही भाषण किया, और जब हमारी राष्ट्रीय परिषद हुई तो वही भाषण किया, भाषण वही था। 3 अलग घटनाएं थी, उसको किसी के साथ जोड़ा नहीं। और इसके पहला मेरा आग्रह ये होगा को भी अलग अपनी विशेषता खड़ी करनी पड़ती है। हम में से बहुत लोग जब भाषण करते हैं तो कहते हैं भाइयों और बहनों। मैंने पहली बार अटल जी को सुना था, वो कहते हैं बहनों और भाइयों। अब दिखने में छोटा ही अंतर है क्योंकि हमको आदत हमेशा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जैसी होती है, लेकिन अटल जी, और शायद मैंने उनसे ये सीखा, मेरे से कभी भाइयों और बहनों नहीं होता। शायद बचपन में उनका कोई भाषण सुना हो तो पहली चीज मेरे आई है, अरे ये अलग है। अब आदमी अगर थोड़ा हटक के अलग कहता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी ओर ध्यान खींचता है। अब अटल जी जैसी ख्याति तो हम सबको होगी नहीं, हम तो नए होंगे, और हो सकता है कि उस गांव में हम पहली बार बोल रहे होंगे,
लोगों को पता भी नहीं होगा कि कौन प्रमोद महाजन है, कैसा बोलता है, क्या करता है। तो अच्छे प्रभावी भाषण के लिए पहला सूत्र यह ध्यान रखे कि हमारा प्रारंभ बहुत ही आकर्षित करने वाला होना चाहिए। अगर हम पहले दो चार पांच मिनट में श्रोताओं को अगर अपने कब्जे में ना लें तो 10 मिनट के बाद आप कितना भी महत्वपूर्ण मुद्दा बोलो वो अपने कब्जे से निकल चुका है। और इसलिए भाषण देते समय पहला यह ध्यान रखें कि मुझे पहली बार इस सभा को आकर्षित करना है। और इसलिए कोई अच्छा वाक्य हो, कोई शेर हो, कोई शायरी हो, कोई किस्सा हो, कोई आवाज का ऊपर नीचे करना हो, लेकिन कुछ तो ऐसी बात हो जिससे सारे सुनने वाले अरे क्या कह रहा है, उसका कान पकड़ लें। एक बार आपने पकड़ लिया तो फिर अगले 10-15 मिनट तक वो आपके पास रहेगा। फिर आपको 10 मिनट में जैसे आप में से जो लोग क्रिकेट में रुचि रहते हो रखते हो उनको मालूम पहले ओवर में अगर फोर मार दिया फिर लोग देख लेना यार पता नहीं आपसे अगला क्या करेगा, अगला मारेगा, अगला मारेगा। तो सबसे पहले प्रारंभ आकर्षित करने होना चाहिए। और वैसे कभी कभी मुझे लगता है जो अंत हो वो एक प्रभावित करके जाने वाला होना चाहिए। भाषण इन दोनों के बीच में होना चाहिए। याद रखें हमारा भाषण कोशिश हो कि नव रसों से परिपूर्ण होना चाहिए। बहुत बार हम ध्यान रखें बहुत गंभीर भाषण बहुत देर तक सुनने की मनस्थिति में लोग नहीं होते। और इसलिए जितने बड़े बड़े अच्छे नेता वक्तृत्व कला में माहिर माने जाते हैं उनके भाषण की शैली में बीच बीच में हंसना हंसाना, रोना रुलाना, कभी वीर रस में लाना, ये आवश्यक होता है। सभा में जाने के पहले अपने आप को आईने में देख के जाइए, कहीं कंघा करने में तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, कहीं हाथ वाथ धोते लगे तो कोई काली स्याही तो नहीं पहन की लगी है, कपड़े आपके जो भी आपका वेश हो इसके लिए कोई बहुत सुंदर वेश परिधान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कपड़े क्या डालते हो, कैसे डालते हो, ये छोटी छोटी बातें लगती है लेकिन सामने वाले को प्रभावित करने के लिए उस बातों की, क्योंकि भाषण में जब आप बोल रहे हैं तो आपका ध्यान वो व्यक्ति जो उच्चार रख रहा है उधर जाना है, तो बोलने वाले व्यक्ति के सामने कोई ऐसा उसने ऐसा भी विचित्र वेश न डाला हो कि जिसके कारण लोगों का ज्यादा ध्यान उसके वेश की ओर ही जाता हो और वो क्या बोलता है इधर न जाता हो। इसलिए कपड़े हो, आवाज हो, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक ही टोन में। अब कभी कभी कुछ वक्ता ऐसे हैं कि बोलना शुरू कर देते हैं तो उसका आवाज तो पीछे से आवाज आवाज, तो हमको समझना चाहिए कि जिस संख्या में हम बोल रहे हैं हमारी आवाज आखिरी आदमी तक पहुंचे या न पहुंचे इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आवाज हमको सुनाई नहीं देती। एक बार मैंने लता मंगेशकर जी को पूछा कि ये माइक आपने अपने लिए क्यों लगाया है जो करना आता है, तो उन्होंने कहा देखो 1 लाख लोग मेरा गाना सुनने आते हैं तो पीछे लोगों को सुनाई देना या नहीं है तो मेरे को हमेशा डर लगता है कि इनको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, इसलिए मैं अपनी आवाज बढ़ाते जाती हूं और थोड़ी देर के बाद फिर इस गले पर ऐसा असर होता है कि आधे में भाषण बंद करना पड़ता है या पानी पीना पड़ता है।
तो उन्होंने कहा इसलिए मैं इसको रखती हूं ताकि मैं सुन सकती हूं कि मेरी आवाज नीचे ऊपर, अब अपने को गाना तो नहीं गाना है इसलिए उतनी कोई हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत बार हमने देखा 25-25 साल भाषण करने के बाद भी माइक से कितने नजदीक रहे कितने दूर रहे ये हमको अभी तक तय हम नहीं कर पाते। कुछ लोग सीधा अंदर जाकर बोलना शुरू कर देते हैं अभी तो कान दर्द हो रहा है, या कुछ लोग इतने पीछे खड़े हो जाते। तो साधारण बरसों के बाद बैट कैसी पकड़ना, स्टैंड कैसे लेना, ये तो चीजें अभ्यास से आनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक और ध्यान रखें, हम जिसके सामने बोल रहे हैं उन लोगों की थोड़ी हमको जानकारी होनी चाहिए ताकि हम उदाहरण वैसे ही दें जो उनके अनुभव में हो। नहीं तो गांव में भाषण कर रहे हैं और उसमें उदाहरण बता रहे हैं। जब हवाई जहाज 40,000 फीट पर चला जाता है तब जिस प्रकार की आवाज आती, हम गांव वाला बोलेगा ये हवाई जहाज हमने कभी बैठे नहीं, कभी 40,000 फीट पे गए नहीं, ये कौन सी आवाज की बात कर रहे हैं। या आप किसी सीआईआई के मीटिंग में बोल रहे हो, सब शहर के बड़े बड़े उद्योगपति आए, आप कहे देखिए बैलगाड़ी जब चलती है ना तब जो बाई ओर का चक्का, अरे भाई वो बाप मैं कभी उसने बैलगाड़ी में बैठा नहीं, उसको बाई ओर के चक्कर का उदाहरण क्या दे रहा हूं। अगर उत्तर प्रदेश में गए और कहीं महाराष्ट्र का संत ढूंढ लिया तो जो जानकारी उसको होगी नहीं। और इसलिए सामने का जो श्रोता है उसकी भाषा, उसका अनुभव, उसका जीवन, उसका ज्ञान, उसकी जानकारी, इसी के आधार पर भाषण दो। अब गांव में लोग अगर अंग्रेजी कम समझते हैं और आपको मोह है कि आपके अंग्रेजी का ज्ञान इनको पिलाना है, तब ध्यान रखिए जो भी आप अंग्रेजी का शब्द उपयोग कर रहे हो या कोई अंग्रेजी की कहावत कह रहे हो उसको हिंदी में या जिस प्रांत की भाषा में आप हो उस प्रांत की भाषा में भाषांतरित करके उसके पास पहुंच जाए। ये भी देखो एक और ध्यान रहे कि भाषण एक मुद्दे पे नहीं होता, तो एक मुद्दा इतना खींचा जाता है। जैसे मुझे याद है एक बार मुझे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भाषण को कहा गया, अब उनका तो विषय तो कोई होता नहीं, उनका तो कैसे लोगों को इकट्ठा करें। तो उन दिनों में स्वर्ण मंदिर में पुलिस वुलिस गई थी तब के दिन, तो हमने गांव के सभी ग्रेजुएट्स को इकट्ठा किया, प्रमोद महाजन जी का पंजाब की समस्या पे भाषण है। फिर हमने वर्णन शुरू किया पुलिस स्वर्ण मंदिर में कैसी गई। अब हमारा एक घंटे का भाषण, हम 45 मिनट स्वर्ण मंदिर का ही वर्णन करते रहे। तो बाद में कार्यकर्ता ने कहा प्रमोद जी मुझे लगा स्वर्ण मंदिर से पुलिस को बाहर निकालना आसान है, लेकिन एक बार आप अंदर चले गए ना तो आपको निकालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी भी एक मुद्दे का अपने पूरे भाषण में, मान लीजिए आपने 5-6-7 मुद्दे रखना चाहते हैं, उस भाषण में उसकी मात्रा कितनी हो, उसका प्रोपोर्शन कितना हो, यह हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी जब हम इतिहास में जाते हैं तो इतिहास में आप इतने मत चले जाइए कि आपको दिया गया आधा घंटे में, क्योंकि अब अपना रजत जयंती महोत्सव आया है तो रजत जयंती पे हम लोग सब भाषण करना शुरू कर देंगे। तो बस 1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई मैं वहां था, अब अगर वहीं रह गए आप 25 मिनट तो 25 साल में बाकी जो घटनाएं हुई वो आपको 5-5 सेकंड में कहनी पड़ेगी। और इसलिए पूरे भाषण में जितने मुद्दे हैं वो मुद्दे, हर मुद्दा कम ज्यादा मात्रा में आना चाहिए और अपने को जो पूरी बात कहनी है वो पहुंचनी चाहिए, इसका ध्यान रख के भाषण बनाए। एक और ध्यान रखें, अपना सारा ज्ञान इसको पिलाए बिना आज छोड़ना नहीं है, इस महत्वाकांक्षा से भाषण मत करिए। क्योंकि हमारे पास इतना ज्ञान होता है कि हम 5 घंटे बोल सकते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें 5 घंटे बोलना चाहिए। बहुत बार हम जब आम सभाओं में जाते हैं कि मेरे अनुभव है कि हमको नहीं लगता वो मुद्दा रह गया, अगर नहीं कहा तो वोट नहीं देगा, ऐसा नहीं है। वो अगर 25 मुद्दे के बाद वोट नहीं देगा तो 30 के बाद क्या उसने गिन के आया है कि मैं 30वें में वोट देने वाला हूं, वोट नहीं देने वाला हूं।
और इसलिए अपने भाषण का प्रभाव भी ज्यादा लंबा करने से कम होता है, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं चीज कितनी भी मीठी हो, हमको कितनी भी भाती हो, फिर भी एक हद से आदमी उसको खा नहीं सकता। मतलब किसी को गुलाब जामुन अच्छे लगते हो, खाना शुरू किया 10, 15, 20, 25, 30, 36 के बाद उल्टी होना शुरू हो जाएगी उसी गुलाब जामुन से, जिसके खाने का सोचने के बाद भी मुंह में पानी आता था, वो आप खा नहीं सकते। और इसलिए सारा ज्ञान नहीं उड़ेलना है, और इसलिए समय मुद्दे इसको भी ध्यान रखिए। अब वक्तृत्व संवाद हर जगह अलग अलग होता है। जैसे जब हम संसद में बोलते हैं, विधानसभा में बोलते हैं, प्रतिनिधि सभा में बोलते हैं, तो पहले ऐसी शैली मत अपनाइए वही बाजार में वही दरबार में ना। हर स्थान की शैली अलग होती है। पहले तो हम संसद में जब बोलते हैं तो यह ध्यान रखें कि बाहर, मैं जब संसद कहता हूं तो मैं कॉरपोरेशन भी उसी में आती है, प्रतिनिधि सभा आप कही, बाहर जैसे मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, घर का माहौल है, मुझे कहा कार्यक्रम में आपको 45-50 मिनट बोलना है, फिर थोड़ी चर्चा होगी। अब मान लीजिए मैं 45 की जगह 50 मिनट बोल लूं तो घर की बातें चल जाएगी। लेकिन यही भाषण अगर मुझे राज्यसभा में देना है तो सारी पार्टियों को मिलकर 2 घंटे की चर्चा है, उसमें मेरी पार्टी को 25 मिनट है, उसमें और कोइन जी बोलने वाले हैं, तो पहले तो मुझे कितना समय वहां मिला है, मुझे समय ध्यान रहना चाहिए। अब दूसरा ऐसा है, आम सभाओं में तो हम कहानी से शुरू कर सकते हैं, मुझे महाभारत की एक कहानी याद आई। अब वहां राज्यसभा में मैं महाभारत की कहानी सुनाऊंगा तो लोग बोलेंगे गुरुदेव बाहर जाके कीर्तन शुरू करिए, यह कोई राज्यसभा है, कोई कीर्तन सभा थोड़ी है जहां आप महाभारत की कहानी सुना रहे। इसलिए राज्यसभा में मैं अगर बेरोजगारी के आंकड़े फेंकूं तो ज्यादा प्रभावी है, कि लखनऊ की आम सभा में मैं बताऊं कि 52 में इतना बेरोजगारी थी, 56 में इतनी थी, 57 में इतनी थी, 58 में इतनी थी, आपकी सरकार में इतनी थी, मेरी सरकार में इतनी थी, लोगों को एक आंकड़ा ध्यान नहीं रहता, तेरे 6-6, 7-7 आंकड़े कौन वहां ध्यान रखने वाला है। इसलिए आम सभाओं में बेरोजगारी के आंकड़े और संसद में बेरोजगारी के आंकड़े दोनों का प्रभाव अलग है, ध्यान रखने वाला है। इसलिए आम सभाओं में बेरोजगारी के आंकड़े और संसद में बेरोजगारी के आंकड़े दोनों का प्रभाव अलग है। इसलिए समय और अभ्यास प्रतिनिधि सभाओं में तो उससे ज्यादा आवश्यक बनता है। श्रोता अलग होते हैं, संसद में कोई श्रोता नहीं होता जो बैठा होता है, आपके पार्टी के लोग आपको नहीं सुनते तो सामने वाले क्या सुनेंगे। अच्छा, यहां पर सब लोग अपना अपना मत बनाकर आते हैं, इसमें किसी का मत परिवर्तन नहीं है। हां, जबकि आदर्श जनतंत्र में यह माना जाता है, डेमोक्रेसी का वर्णन किसी ने कहा, गवर्नमेंट बाय डिस्कशन, चर्चा से सरकार होती है। लेकिन जो जो लोग हम में से इसको देखते हैं, अनुभव करते हैं जिस स्तर पर, उन सबको पता है कि सत्ता और विपक्ष के बोलने का एक दूसरे पर कुछ असर नहीं होता, क्योंकि वहां हर आदमी अपने विचार पक्के पार्टी लाइन को लेके आता है। और इसलिए कितना भी बढ़िया आप बोले, सामने वाला लॉबी में आने के बाद आपको कहेगा कि भाषण बहुत अच्छा होगा, लेकिन अंदर कभी नहीं कहेगा कि आपका भाषण अच्छा होगा। दूसरी बात, यह जनसभा नहीं है जो कोई ताली वाली बजाने वाला है। तीसरी बात, संसद या प्रतिनिधि सभा ऐसे स्थान है जहां आप दुश्मन के सामने भाषण करते हो, जनसभा में तो वही आता है जो हमको सुनना चाहता है, इसलिए थोड़ा बहुत तो वो अपना ही होता है। बाकी अगर आपने बिल्कुल सड़क पे सभा लगाई हो तो 2-4 वाले जाते आते, कुछ लोग रुक जाते होंगे, उनकी अपनी अलग जगह है। लेकिन इसलिए कभी कभी तो मुझे लगता है कि सभाओं का चुनाव में कितना महत्व है, इस पर मुझे बरसों से संदेह है।
जब एक बार मैंने अटल जी को कहा कि मुझे संदेह है बरसों से, उन्होंने कहा मुझे जन्म से संदेह है कि सभाओं से। अब मुझे याद है कि एक बार किसी ने कहा कि प्रमोद जी आप मेरे यहां सभा ले लीजिए, आपकी एक सभा हो गई। अभी भी बिहार के कुछ लोग बोलते सर आपकी सभा हो गई और मैं जीत गया। अब कोई अपने बारे में अच्छा बोले तो अपन ना तो बोल नहीं सकते थे, तो हम कहते हाँ बेटा मेरे भाषण से तू जीत गया, और मन में बोलते हैं हमारे भाषण से हम खुद नहीं जीते तो इसको क्या जिताया भगवान जाने, हमको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बेचारा प्यार से कह रहा है कि हमको जिताया है तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्यों ना कहें। वो अपनी अलग जगह है। मुझे एक बार अटल जी ने, जगदीश प्रसाद माथुर जी ने सुनाया था कि 57 कोई 62 के समय में अटल जी किसी गांव में उत्तर प्रदेश के जिला स्थान पर गए, भाई एक लाखों की सभा, बहुत बढ़िया भाषण किया, भाषण इतना अटल जी का प्रभावी हुआ कि जगदीश प्रसाद माथुर जी ने पड़ोस में बैठे थे, उन्होंने कहा अटल जी अभी अगर वोट हो जाए ना तो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो अटल जी ने उठते उठते कहा वोट अभी करवाइए, काउंटिंग अपन गाँव के बाहर जाने के बाद करवाना, लेकिन इसका पता कुछ है नहीं। और इसलिए जो जनसभा होती है उसमें अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो आपके समर्थन के होते हैं, लेकिन जब आप संसद में बोलते हो तो वहां उस आक्रामकता की आवश्यकता नहीं। और अच्छी बात तो यह होगी कि शुरू में सौम्यता से बोलिए, जिससे ज्यादा तू तू मैं ना हुई, और अच्छे जो पॉजिटिव मुद्दे हो शुरू में डालिए, और जब आखिरी समय 5-7 मिनट का हुए तब आपको जो कॉन्ट्रोवर्शियल चाहिए बोले, ताकि तू तू मैं हो भी गई तो सदन एडजर्न हो जाएगा, तो अपना तो भाषण हो गया, बाद में जो होगा सदन का होगा, उसको अपने से क्या लेना देना है। और इसलिए जनसभा में संवाद करना और संसद में संवाद करना, इसमें अंतर है। और सबसे बड़ा अंतर संसद में यह है कि संसद में सदस्यों के लिए कोई भाषण नहीं करता, संसद में हम भाषण करते हैं जनता के लिए, और वो जनता तक भाषण पहुंचता है ऊपर बैठे वाले पत्रकारों से। और इसलिए हमारा भाषण 9 मिनट का हो या 90 मिनट का, अगर पत्रकार उसमें से मुद्दा उठा नहीं पाए तो दूसरे दिन इतना ही आएगा अटल जी अडवाणी जी इत्यादि का भाषण हुआ, तो आप खुशी मनाइए कि ये जो इत्यादि है उसमें आपका भी नाम लिखा गया है, ये समझिए। बाकी अटल जी अडवाणी जी तो बोले ही थे, बाकी तो इत्यादि में तो हम आ ही गए। अब घर वालों को पता नहीं चलेगा कि ये इत्यादि आपके लिए लिखा है, इसलिए आप जाके बता सकते हो कि ये इत्यादि मेरे लिए है, ये इत्यादि। और लेकिन अगर आपके भाषण में कोई ऐसा एक या दो मुद्दे हों जो मुद्दे ढंग से समाचार पत्रों के लिए नए लगते हो, तो बड़े बड़े लोग बोलने के बाद भी आप अगर हटके अलग कोई अच्छा मुद्दा बोलो तो न को वो सामने वाले के दिल तक उतरेगा, वो दूसरे दिन समाचार पत्रों में छपेगा। ये देखें, जब वक्तृत्व बैठकों में करना है तो उसमें आप बिल्कुल अनौपचारिक रह सकते हो, बैठ के बोलिए, खड़े होकर बोलिए, उसमें स्पष्ट बोल सकते हो, स्नेह से बोल सकते हो, उसमें डरने की बात नहीं है। जनसभा हो, संसद हो, लोगों के सामने बोल रहे हो, प्रकाश में बोल रहे हो, यहां अपने घर में बोल रहे हो, तो घर में बोलना अलग है। और मेरे जीवन में, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, मुझे तो एक दो ही लोग ऐसे देश में याद आते हैं जो बैठकों में भी अच्छा बोलते हैं, संसद में भी अच्छा बोलते हैं, जनसभा में भी अच्छा बोलते हैं, जबकि ये बोलने के तीनों प्रकार अलग अलग हैं। और अगर तीनों प्रकार में भगवान ने आपको महारत दे दी तो फिर वो जो 3-4 है संख्या, वो 5 हो जाएगी, आपका भी नाम उसमें जुड़ जाएगा, ये आपके हाथ है। एक संवाद कला का माध्यम छोटे से मुद्दे में रखना चाहूं जो व्यक्तिगत भी होता है। संवाद कला केवल ये नहीं है कि मैं आप जैसे समूह से बात कर रहा हूं, या कल रामलीला मैदान पे खड़े होकर 50,000 लोगों के सामने बात करूंगा, जब आप मुझे मिलते हैं या मैं आपको मिलता हूं तब भी हम दोनों के बीच में संवाद होता है। सभा जनसभा हो या व्यक्ति से व्यक्ति का संवाद हो, संवाद ओठों से नहीं होता,
दुनिया में संवाद आंखों से होता है, और कभी कभी अगर आंखों से ढंग का संवाद हो तो कभी कभार बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती, बात एक दूसरे के समझ में आती है। और इसलिए जब आपको कोई मिलने आता है तो बहुत बार मैंने नेताओं की आदत देखी, और आप भी अपने अपने स्तर पे नेता ही है, जैसे रामनाथ कोविंद जी हमको मिलने आए, मोबाइल आ गया तो बेचारा चुप है, नहीं नहीं बोलो मेरा ध्यान है आपकी तरफ, बोलो बोलो क्या बोलना है बोलो, क्योंकि हमको लगता है रामनाथ जी के बाद थावरचंद जी आने वाले हैं तो टाइम है अपने पास। तो पहले तो किसी के साथ बातचीत करते समय फोन पर बोलना, अखबार पढ़ना, कुछ लिखना, ये उस व्यक्ति का अपमान है। भले आपके पास 5 मिनट उसको देने हो, 5 मिनट उसको जब दोगे तो वो जो बोल रहा है उसकी आंखों में आंख डाल के सुनिए, उसके बाद आपने उसका काम किया या नहीं किया ये उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहता है, उसको लगता है प्रमोद जी ने हमारी बात सुन ली। बहुत बार व्यक्तिगत संवाद में हम ये भूल जाते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, खिड़की की तरफ बोलो 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 बोलो, ये संवाद का माध्यम नहीं है। और इसलिए अगर संवाद का माध्यम सीखना है तो उसको हमको व्यक्तिगत रूप से शुरू करना पड़ेगा कि पहले, और नजर मिलाना ये सभाओं तक आवश्यक है। आंख बंद करके सिर्फ दूरदर्शन आकाशवाणी वहीं बोला जाता है कि जहां पब्लिक नहीं दिखाई देती, बाकी सब जगह। इसके साथ इन सारे संवाद कलाओं में एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, आपका भाषण बना बनाया तैयार करके भी आप अगर कर रहे हो तब भी सामने वालों पे नजर रखनी चाहिए, उनको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कहीं थक तो नहीं गए, कहीं बोर तो नहीं हो गए, इसके आवश्यकता के अनुसार हमारा संवाद बदलना चाहिए। और अगर नहीं, हम तो बस घर से तैयार करके आए हैं। और इसलिए बहुत बार भाषण पढ़ना ये कभी लोगों को आनंद नहीं देता, क्योंकि उसमें आंख से आंख मिलती नहीं, क्योंकि बहुत सारा ध्यान अपना कागज की ओर होता है। और इसलिए इन संवाद की कलाओं का सीखें। एक संवाद होता है पत्रकार वार्ताओं में, किसी भी राजनेता के जीवन में जैसी जनसभा होती है वैसी पत्रकार वार्ता होती है, गांव छोटा हो या बड़ा, जब हम जाते हैं तो पत्रकार वार्ता में बात करते हैं। अब इसमें संवाद कैसा करें, अब हर प्रांत की शैली होती है। पहली तो पत्रकार वार्ता में हम ध्यान रखें कि लंबा और उबाऊ भाषण पत्रकार वार्ता में ना करें। बहुत बार मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा है, खासकर मैं मुंबई में उनके पास में बैठता हूं, वो जो शुरू करते हैं 20 मिनट तक रुकते ही नहीं है। ये पत्रकार हैं, ना पब्लिक है ना कार्यकर्ता, इनको ना आपसे कोई लेना है ना देना, ये ढूंढने आए हैं खबर, इनको चाहिए खबर, तो इनको नहीं चाहिए भाषण। इसलिए जब पत्रकार वार्ता में बोलते हैं तो हमें इन्हें खबर देनी है, लंबा और उबाऊ भाषण नहीं। और अगर आपके पास खबर देने लायक मुद्दा हो तो 5 मिनट की पत्रकार वार्ता भी दूसरे दिन सुर्खियों में आ सकती है, और अगर आपके पास खबर देने लायक कुछ नहीं हो तो 50 मिनट के भाषण के बाद भी दूसरे दिन सिर्फ गाली ही पड़ती है और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि जनसभा के लिए तैयारी कम हो चलती है, संसद में थोड़ी बहुत हो चलती है, लेकिन पत्रकार वार्ता में तैयारी करके जाना अत्यावश्यक है। पत्रकार वार्ता में हमको सोचना चाहिए कि 3 से 5 मुद्दे मैं रखूंगा, कुछ भी, मेरी रजत जयंती मेरे जिले में कैसे होने वाली है, तो ये 5 मुद्दे हैं। नहीं तो हम अडवाणी जी का भाषण सुन के आए वहीं शुरू कर दिया वहां कि ये गांव वाले थे नहीं तो इनको मैं बता दूं, पत्रकारों को उसमें रुचि नहीं है। पत्रकारों को अगर उसमें रुचि नहीं है तो 3, 4 या 5 मुद्दे पकड़िए, उस मुद्दे पे 1-1 मिनट बोलिए, हम ऐसा कार्यक्रम करने वाले, ये करने वाले, ये करने वाले, ये करने वाले।
मेरे हिसाब से अगर आप पूछो तो आदर्श पत्रकार वार्ता में जो पत्रकार वार्ता ले रहा है उसको 10 मिनट से ज्यादा बोलने की कभी भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 10 मिनट बहुत लंबा समय होता है। 10 मिनट का अगर वो दूसरे दिन छापेगा तो उसको आधा पन्ना खर्चा करना पड़ेगा। इतने मुद्दे आप 10 मिनट में रख सकते हो। उसके बाद उसी के साथ अगर हम लिखित वक्तव्य दे दे तो बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत बार पत्रकार सब आते नहीं, कुछ कम आते हैं, तो इसमें अगर लिखित वक्तव्य भी चला जाए तो उसको याद भी नहीं करना पड़ता है। तीसरी बात, प्रश्नों के जब उत्तर देते हैं तो वो भी छोटे, जो पूछा है उससे जुड़े हुए प्रश्नों का भी उत्तर, प्रश्नों का ही उत्तर दें, उसमें भी लंबी बात ना कहें। और इसमें जुड़ी आखिरी और अंतिम बात, हर प्रश्न का उत्तर देना यह कोई कानूनी मजबूरी नहीं है। बहुत बार हम लोगों को लगता है कि पत्रकारों को यह संवैधानिक अधिकार है कि वो हमें कुछ भी पूछ सकते हैं और हमें जवाब देना ही चाहिए। ऐसा उनको कोई अधिकार नहीं है। एक नया माध्यम संवाद में आया है जो 8-10 साल पहले इतना बड़ा नहीं था जितना आज बना है, और वह है टेलीविजन। 10 साल पहले अगर आप सफर करते हो, अच्छा सा, हमने आपका नाम पढ़ा था, उसको मालूम नहीं कैसा दिखता है आदमी, लेकिन चूंकि दिखता था ही नहीं पहले कोई तो नाम पढ़ा था। लेकिन आज अगर हम उसी ट्रेन के डिब्बे से जा रहे हैं, पड़ोस वाला ये नहीं पूछते कि आप कौन है, आपको कल जीटीवी पे देखा था। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से, टेलीविजन आने से एक मौलिक परिवर्तन संवाद की कला में यह हुआ है कि कल तक जो जनता आपके बारे में सुना था या पढ़ा था कहती थी, वो धीरे धीरे अब आपके बारे में देखा है ये कहने लगी। जब तक वो आपके बारे में सुना था या पढ़ा था ये कहती थी, तब आप कैसे दिखते थे ये महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन वो ये कहना शुरू किया उसने कि आपको देखा था तो आप कैसे दिखते हैं, ये धीरे धीरे महत्वपूर्ण होने लगा। अब जब मैं कहता हूं कि कैसे दिखते थे, मतलब भगवान ने जो रूप दिया है वो तो कोई बदल नहीं पाता, वो तो संभव नहीं है। लेकिन जो भी रूप दिया है, टेलीविजन माध्यम को अगर उपयोग में लाना है तो वो ठीक ठाक हो। और सब हम जानते हैं कि भगवान ने सबको सुंदर बनाया है। आप उत्तर मत दीजिए, लेकिन आप मन में ही सोचिए कि क्या आप सुंदर नहीं है, और आपके हर एक के प्रश्न का उत्तर आएगा ऐसे कैसे नहीं, मैं भी थोड़ा ठीक है, मतलब नाक ऐसी होगी लेकिन टोटल पर्सनैलिटी तो मेरी, और मैं इसमें दोष नहीं दूंगा, इसमें कोई हो ही नहीं सकता। हर आदमी सोचता है कि मैं मतलब सुंदर, कोई बहुत कोई फिल्म में नहीं जाना है, लेकिन हर आदमी सोचता है कि नहीं साहब हमारी तो पर्सनैलिटी है, ऐसा कोई ये नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कंघा नहीं करते, जेब में कंघे नहीं रखते, आने सामने देखते नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हम तो भगवान ने ऐसे ही बना के भेजा है। और इसलिए टेलीविजन माध्यम, क्योंकि ये दिखने वाला माध्यम है, और जब दिखने वाला माध्यम होता है तो आप कैसे दिखते हो ठीक ठाक। मैंने जैसे कहा कि ये कोई ब्यूटी पार्लर में जाने का सुझाव इसमें से नहीं आ रहा है, लेकिन कैसे दिखते हो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, इस माध्यम में सभाओं से ज्यादा भी आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपके हाव भाव, और अभी तो कभी कभी जैसे ये है ना, मैं इनको डंडे वाले जर्नलिज्म कहता हूं, ये बड़े खतरनाक है। कभी कभी पत्रकार वार्ता में आप रूठ कर जा सकते हो, मुझे नहीं जवाब देना है आपका, तो ज्यादा से ज्यादा दूसरे दिन नीचे छप के आएगा कि प्रमोद जी गुस्से में पत्रकार वार्ता छोड़कर चले गए। अब इतना कोई पढ़ता नहीं, उस पर असर नहीं होगा, लेकिन अगर ये डंडे वालों से झगड़ा करोगे ना तो वो झगड़ा भी दिखा देंगे। कभी भी आके मेरे से सवाल पूछते हो, तुम लोगों को राम जन्मभूमि के सिवा कुछ सोचता ही नहीं। अब हमको लगेगा कि हमने मन की भड़ास निकाली, दूसरे दिन टीवी पे यही,
राम जन्मभूमि के बारे में पूछा तो प्रमोद जी झल्लाए, हमारे रिपोर्टर को फेंक दिया, माइक तोड़ दिया, देखो उनका चित्र। अब ये कभी जब केवल प्रिंट जर्नलिज्म था तो ये रिस्क हमारे पास नहीं थी, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म इसमें, अब जैसे कभी आपने देखा होगा कि हम मान लिया हम ऐसा करने लगे भाषण करते करते तो कैमरा वाला हमारा चेहरा बेरा छोड़ता इसी पर, या मांगोटी कुछ करने लगे, या किसी के जैसे टेबल पे ऐसा करने लगे, मान लीजिए हम यहां। अच्छा, इसलिए इस माध्यम के बाद तो यहां बैठने वालों को भी दिखाना पड़ता है कि वो भाषण सुन रहे हैं, भले वो सुनते ना हो, नहीं तो बहुत बार अगर कोई हो ना कि फोकस करें, और फिर कोई बोलेगा मंच वाले नहीं सुन रहे तो हम क्यों सुनेंगे भैया। अब ये जो आदत है इन सारे का टेलीविजन से फर्क पड़ गया है, और इसलिए मुझे लगता है कि यहां चेहरे, हाव भाव, आवाज, कपड़े, अचानक हम पर कोई सवाल आ गया तो उसको कैसे जवाब देना, इसको भी धीरे धीरे हमको आत्मसात करना पड़ेगा। इसमें और दो छोटी बातें, जैसे मैंने कहा कि व्यक्तिगत या सामूहिक संवाद में जैसे हमको सामने वालों की आंखों में देखना है, वैसे इस संवाद में मुझे कैमरा में देखना है। क्योंकि जब मैं भाषण करता हूं, मेरे 60-70 दोस्तों के सामने करूं या 60,000 में करूं, तब मैं आप सब मिलकर मुझे सुनते हैं, सुनते तो अकेले हैं लेकिन फिर भी मिलकर सुनते हैं, समूह में सुनते हैं। लेकिन मैं जब टेलीविजन पर बात करता हूं तो हर आदमी अपने अपने कमरे में देश भर में मुझे अकेले सुन रहा है, इसलिए वो मेरा श्रोता 10 लाख भी है और एक भी है, और इसलिए उसका कोई समूह का मानस शास्त्र नहीं है, उसकी कोई मॉब साइकोलॉजी नहीं है कि जो समूह में आती है उसकी इंडिविजुअल साइकोलॉजी। अच्छा, वो मेरे को सुनने आया है ये भी जरूरी नहीं है, कम से कम सभाओं में, बैठकों में वो मुझे सुनने आया है, यहां तो वो मुझे सुनने भी नहीं आया, वो अपने घर में बैठा है, लगा लिया है, अचानक आ गए। अब अचानक आ गए तो जब तक आप ये ख्याति अर्जित ना करो कि ये कोई बात बोलता है जो सुननी चाहिए, ये तो कौन देखेगा सास बहू छोड़ के आपको, कोई नहीं देखेगा। और इसलिए इस माध्यम को कभी तो समय हो तो इसको अलग से इसका अभ्यास करने का ये माध्यम है, इसलिए आंख इसकी कैमरा है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, इसमें समय इतना कम है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 30 सेकंड से 50-60 सेकंड के बीच में अपनी सारी बात आपको इस माध्यम पे कहनी होती है। हाँ, अगर आपका कोई अलग साक्षात्कार लेता हो, वो तो बड़े लोगों का ही होता है, तब तो आपको 15-20-25 मिनट मिल जाए, घंटों तो वहां किसी को नहीं मिलता, और वो जो साक्षात्कार होता है उसमें लेने वाला ही ज्यादा बोलता है, और जो जिसका लिया जाता है उसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बोलने का अवसर मिलता है, ऐसे लेने वाले ज्यादा हो गए हैं आजकल, इसलिए वहां भी कोई बहुत समय नहीं मिलता है। लेकिन इस टेलीविजन माध्यम को भी, अब ये मत समझिए कोई दिल्ली मुंबई का माध्यम है या आपके गाँव का माध्यम है, हिंदुस्तान में आज मेरा अनुमान है कि 40-50 हजार 25 हजार के गाँव में भी कोई ना कोई लोकल टीवी घूमता रहता है, और ये धीरे धीरे 10,000 के गांव तक आने की संभावना मैं स्पष्ट 2-4 साल में ही देखता हूं। और इसलिए इसके सामने बोलने का भी अभ्यास, और इसमें सबसे बड़ा अभ्यास ये है कि हमको 30 सेकंड से 60 सेकंड में अपनी बात ऐसी कहनी चाहिए जो दिन में बार बार दिखाई दे, तब भी भारतीय जनता पार्टी की बात हमने पहुंचाए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं जो मैंने प्रारंभ में कहा था, व्यक्तिगत संवाद से टेलीविजन के संवाद तक अनेक संवाद माध्यमों के बारे में मेरे मन में जो विचार आए ये मैंने आपके सामने रखे हैं। जरूरी नहीं है कि ये सारे विचार उपयोगी हो, ये कोई सिद्धांत का मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कि जिसमें मतभेद हो नहीं सकता, लेकिन संवाद एक ऐसी कला है जिसको आत्मसात किए बिना कोई भी व्यक्ति राजनैतिक जीवन में सफल हो नहीं सकता, कम ज्यादा मात्रा में हो, हमको सबको इस कला को आत्मसात करना चाहिए।
इसलिए मैंने कुछ मुद्दे आपके सामने रखे। अंत में इतना ही मैं कहता हूं कि लगभग घंटे भर मैं बोला हूं, अनेक नुस्खे मैंने आपको सुझाए हैं, आपको अच्छे बुरे लगे हैं, लेकिन प्रारंभ में जिन मैंने चेतावनी दी थी वो फिर अंत में दूं कि इस नुस्खों को मेरे भाषण पे आजमा के इसने अपने नुस्खों के अनुसार भाषण किया या नहीं किया है, इस पे अपना व्यर्थ समय बर्बाद मत करिए। गुरु से चेला बड़ा हो जाए तो इसके जैसी अच्छी कोई बात नहीं है, तो मेरे नुस्खे आपके जीवन में कैसे आएंगे, इस पर ज्यादा ध्यान दे, इतनी ही प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।